तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंघे सभी लोगों के साथ उस केव के अंदर पहुंच चुका होता है, जहां पर उन्हें कई सारे लेजेंडरी बीस्ट के स्टैचूज दिखाई देते हैं। उन्हीं स्टैचूज के बीच एक व्हाइट वुल्फ का भी स्टैचू होता है, जो दिखने में बिल्कुल व्हाइट फैंग की तरह लग रहा होता है, जो देखकर सभी लोग उस स्टैचू के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं खड़ा लिंगयू उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है कि मैंने आज से पहले सिंघे के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। तो क्या सिंघे सच में किसी छोटी फैमिली से बिलोंग करता है? पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ सिंघे की कल्टीवेशन कमजोर नहीं है। और तो और उसके साथ इस जगह पर हेवनली रैलम के 7th लेवल का एक वुल्फ बीस्ट भी है। तो आखिर सिंघे है कौन? और अब यह सोचता हुआ वह उस केव की ओर आगे जाने लगता है, जो देखकर यूनिंग सिंघे का हाथ पकड़कर उसे भी खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं लिंगयू सोच रहा होता है, मैं जुओ इंपीरियल के स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल हूँ, इस वजह से मैं जुओ अम्पायर में मौजूद सभी सुपर पावर्स को जानता हूँ। तो क्या यह हो सकता है कि सिंघे हमारे जुओ किंगडम का हो ही नहीं, वह किसी दूसरे किंगडम से इस जगह पर आया हो? वहीं वह यूनिंग को सिंघे के साथ देखकर काफी जेलस फील कर रहा होता है और बोलता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंघे कौन है, मैं इस जगह पर रॉयल फैमिली को छोड़कर किसी से भी नहीं डरता हूँ। और अगर अब सिंघे ने यूनिंग का पीछा करना नहीं छोड़ा तो वह बहुत पछताएगा। अब वह सभी लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, जिस जगह पर एक काफी बड़े ब्लास्ट के बाद 5 वेपन्स अपीयर होते हैं। अब उन वेपन्स को देखते ही उस जगह पर मौजूद बाकी सभी लोग उन वेपन्स को लेने के लिए भागते हैं और उस जगह पर आपस में ही फाइट करने लगते हैं। वहीं खड़े सिंघे और बाकी सब यह सब कुछ देख रहे होते हैं, तभी लिंगयू बोलता है, मैं इन वेपन्स की पावर को देखकर बता सकता हूं कि यह पर्पल ग्रेट ट्रेजर है। यह सुनकर सिंघे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसे वेपन्स के रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी जुओहान उसे बताता है कि इस जगह पर सभी वेपन्स को उनके लेवल के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है, ग्रीन लेवल, ब्लू लेवल, पर्पल लेवल, गोल्ड लेवल और गॉड लेवल। और ग्रीन लेवल के वेपन काफी पावरफुल होते हैं, जबकि ब्लू लेवल के वेपन काफी रेयर माने जाते हैं, पर इस जगह पर पर्पल लेवल के वेपन मौजूद है। और अगर इन वेपन में से कोई एक वेपन तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा नाम भी डिवाइन वेपन रखने वाले लोगों में शामिल हो जाएगा। तभी सिंघे यूनिंग से पूछता है, तुम्हारे पास भी मून रिंग वेपन है तो आखिर वह किस लेवल का है? यूनिंग उसे बताती है कि उसका वेपन ब्लू लेवल का वेपन है, क्योंकि इस जगह पर ब्लू लेवल के वेपन काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, इस वजह से उसका वेपन टॉप 10 ब्लू लेवल्स वेपन में से एक है। पर पर्पल लेवल के वेपन इससे भी ज्यादा रेयर होते हैं और पूरे ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट में 100 से ज्यादा पर्पल ग्रेड के वेपन मौजूद नहीं है। तभी सिंघे उसके पास जाता हुआ उससे धीरे से पूछता है, तो मेरा आइस स्पीयर किस लेवल का है? अब यूनिंग उस बारे में सोचती है और बोलती है कि शायद से वह भी पर्पल लेवल का वेपन है। यह सुनकर सिंघे सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास एक लेजेंडरी वेपन है, तो आखिर मेरा आइस स्पीयर पर्पल ग्रेड के वेपन के किस रैंक पर होगा? दूसरी ओर कुछ लोग उस जगह पर मौजूद लोगों को मारकर उन वेपन्स को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वह सभी लोग एक ट्रैप में फंसकर घायल हो जाते हैं, जो देखकर लिंगयू बोलता है, मुझे लगा ही था कि इन वेपन्स को पाना इतना आसान नहीं होगा। इस जगह पर कई सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं, जो काफी आसानी से हेवनली रैलम के 7th लेवल के लोगों को मार सकते हैं। अब उन ट्रैप्स को देखकर यूनिंग घबरा जाती है और सिंघे से बोलती है कि अगर वह चाहे तो अब इस जगह से वापस चल सकता है, क्योंकि वह सिंघे की जान खतरे में नहीं डालना चाहती है। तभी सिंघे बोलता है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं, और एक बार सोचो, अगर यह पर्पल ग्रेड वेपन हमें मिल जाए तो हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी लिंगयू का साथी बोलता है, इंसान छोटे मोटे ट्रेजर के लिए भी अपने साथियों को मार देते हैं, और इस जगह पर मौजूद ज्यादातर लोगों के पास बस नॉर्मल वेपन है, तो तुम सोच ही सकते हो कि वह सभी लोग इस पर्पल वेपन को पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तभी सिंघे की नजर लिंगयू के स्वॉर्ड पर पड़ती है, जिसे देखकर वह यूनिंग से उस बारे में पूछता है।
तभी यूनिंग उसे बताती है कि लिंग यू जुओ अंपायर के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल है, जिन्हें स्वॉर्ड गॉड नाम से भी जाना जाता है, और यह उन्हीं का वेपन है जिसे उन्होंने लिंग यू को दे दिया। और यह एक पर्पल ग्रेड वेपन है जो डिवाइन वेपन लिस्ट के 29th रैंक पर है। अब यह सुनते ही सिंघे को याद आता है कि सांगवेन सुन ने उससे एक बार हेवेनली स्वॉर्ड के बारे में पूछा था, तो कहीं लिंगयू के पास मौजूद वेपन ही तो हेवेनली स्वॉर्ड नहीं है। दूसरी ओर लिंगयू आगे बढ़कर उस जगह पर मौजूद ट्रैप्स पर अटैक करता है, जिसके बाद वह उन वेपन्स को लेने के लिए जाने लगता है, पर तभी वह एक दूसरे ट्रैप में फंस कर घायल हो जाता है। और अब उस जगह पर मौजूद स्टैचूज में से आवाज आने लगती है जो बोल रही होती है कि तुम सभी लोगों का टियांगलिंग टेम्पल में स्वागत है। और अब इस जगह पर मौजूद सभी कमजोर लोग मारे जा चुके हैं। इससे साबित होता है कि तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो यहाँ से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है। और इन टेस्ट को कंप्लीट करने वाले पर्सन को ही इस जगह पर मौजूद वेपन्स मिलेंगे, और जो तुम अपने सामने वह 5 पर्पल लेवल वेपन देख रहे हो वह तो कुछ भी नहीं। इस जगह पर हेवेनली ड्रैगन ट्रेजर भी छिपा हुआ है, तो टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। और इसी जगह पर सीजन 2 खत्म हो जाता है।